तो नमस्ते, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अब जेईई और नीट की परीक्षा साल में दो बार होगी और इसी के साथ कहा जा सकता है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। ये खबर जो देख रही है आज का न्यूज है। केंद्र सरकार ने पेपर लीक के कारण चर्चाओं में आई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE को कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं के आयोजन की जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जेईई और नीट की प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करेगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक ये सभी परीक्षाएं CBSE के द्वारा आयोजित कराई जाती थी। साथ ही केंद्र सरकार ने अब जेईई मेंस और नीट की परीक्षाएं साल में दो बार कराई जाएगी इसकी घोषणा कर दी। आपको बता दें कि यह घोषणा नए शैक्षिक सत्र से लागू हो जाएगी। साथ ही सबसे बड़ी बात कि आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उक्त फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नेट की परीक्षा दिसंबर में होगा तो जेईई और मेंस की परीक्षा की बात करें तो जनवरी और अप्रैल में जेईई मेंस की परीक्षा हो सकता है। वहीं नीट की परीक्षा की बात करें तो नीट का आयोजन फरवरी और मई में हो। इसी के साथ कहा जा सकता है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है कि अब जेईई और नीट की परीक्षाएं साल में दो बार होगा नए शैक्षणिक सत्र से। तो दोस्तों, इस खबर में बस